हेलो गाइस, होप यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो सो गाइस, ये इंट्रो मैं 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। तो मैं गया था मुकामा, जो हमारी मम्मी का फ्रेंड का बेटी का शादी था, इसी कारण से मैं मुकामा गया था और वहाँ का ब्लॉग शूट किया हूँ। तो वो शादी ब्लॉग है, पर वहाँ का एक ये है भाई, वहाँ पर शादी का बहुत लंबा प्रोसेस था, इसी कारण से कुछ कुछ वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मेरा ब्लॉग कैसा जा रहा है, तो उसे मैं पुश आउट होऊंगा और अच्छा ब्लॉग डालने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते, तो चलिए ब्लॉग देखते हैं। चलिए, अभी घर से बाहर निकल के मैं मुसाफिर पकड़ लिया हूँ और मैं पटना जंक्शन की ओर जा रहा हूँ। वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ना था मोकामा का। तो सो फाइनली गाइस, अभी पटना जंक्शन पे पहुँच चुके हैं। तो आप भी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर पटना जंक्शन पे है, वहाँ पे हमारी मम्मी। फाइनली हम लोग समय पे पहुंच गए थे और ट्रेन हम लोग को मिल गई थी, और जैसे स्टेशन पे पहुंचे थे वैसे ही ट्रेन चालू होने वाला था। तो चलिए गाइस, अभी सिनेमैटिक कुछ एंजॉय कीजिए। फाइनली गाइस, अभी हम लोग मुकामा स्टेशन पहुंच चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी। और चलिए गाइस, दिखाएंगे कि कहाँ पे है, जहाँ पे शादी है वहाँ पे दिखाएंगे आपको। चलिए तो चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग आए थे मुकामा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बिहाइंड द सीन, बहुत खूबसूरत सा जगह है। तो आप लोग गाइस चेक कीजिए, ये हमारी मम्मी चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गेहूँ का पूरा खेत घूमने आए गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, पूरा दम पर और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और चलिए तो आप लोग थोड़ा सा इसका सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। और आगे भी है ना, सरसों का खेती है, तो वहाँ भी दिखाएंगे भाई। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अच्छा वाइब आ रहा है, हवा ठंडा ठंडी आ रही है। और भाई ये सब तो टाउन में देख के आपको नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे ही आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा जगह है। गाइस, अभी हम लोग आए, एक चीज़ देखने को मिला है यहाँ पे, मैदा हम लोग जो खाते हैं ना, ये यही है ना, इसको क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं। इसी से इसी का मैदा बनता है और इसी का हम लोग मैदा खाते हैं, जो पूरी खाते हैं, लिट्टी खाते हैं या कचौरी खाते हैं, इसी से बनता है मैदा। तो इसी से... अरे कहना क्या चाहते हो, ये सरसों का खेत है, यहाँ पे आम का पेड़, तेल इसका बहुत अच्छा होता है,
सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं होता है, बहुत अच्छा है खेती के लिए। तो देख सकते हैं जहाँ तक आपका नजर जा रहा है पूरा खेती खेत है, और यहाँ पे गेहूँ का ज्यादा क्या बोलते हैं गेहूँ को उपजा हुआ है। हाँ गेहूँ का उपजा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मम्मी के साथ ब्लॉग कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा कितना खूबसूरत सा सीन है और बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। आपको सांस को दिखाएंगे यहाँ पे, जिसका शादी है उसका भी कुछ क्लिप आपको दिखाएंगे। तो चलिए गाइस आप लोग एंजॉय कीजिए। A few moments later. तो गाइस अभी शाम का 4 बज रहा है, तो अभी हम घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं हमारे साइड में पूरा खेत है, और अभी हम कुछ कहीं जाते हैं बाहर उधर घूमने के लिए, कहीं कुछ घूमने का प्लेस होगा तो घूमेंगे, और वहाँ पे कुछ खाने का होगा तो खाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे गांव में सब कैसे रहते हैं। पर भाई गांव का एक बात है, यहाँ का जो सुगंध है ना कुछ अलग ही टाइप है, जहाँ आप लोग को शहर में ऐसा वाइब नहीं मिलेगा। यहाँ का एकदम वातावरण बहुत अच्छी है, शुद्ध है एकदम। और यहाँ पे ग्रीनरी तो देख सकते हैं आप लोग, पूरा ग्रीन ग्रीन है और खेत खलियान है। और गाइस यहाँ पे बहुत सारा अच्छी बात है ते है। तो गाइस चलिए चलते हैं आगे, अगर आगे खाने को कुछ मिलता है तो खाएंगे। और तो यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शन है सबका, चाचा लोग हमें देख रहे हैं और नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे। तो फाइनली गाइस अभी हमको एक यहाँ पे होटल मिला, थोड़ा सा चलना पड़ा, तो यहीं पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मिला और खाना है, पर खाना अभी नहीं, फास्ट फूड जो है तो कोई बात नहीं, आज ये मॉन्टेली से काम चलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे नाच रहे हैं, और यहाँ का देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लोग हैं, और यहाँ पर यहाँ पे हम हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विधि होता है वही पूरा किया जा रहा है। तो वहाँ पे देख सकते हैं अभी वहाँ पे पूजा होगा शायद। खाना खिलाने के लिए यहाँ पे खाना बन रहे हैं।